हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फूड इन अरिशिता। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू एमबीडी नियोपोलिस मॉल जो कि जलंधर में है। एंड फर्स्ट टाइम जाऊंगी मैं वहां पे। मेरे को मतलब रिकमेंड किया आसपास के लोगों ने कि वहां पे जाओ, सो लेट्स सी कि मॉल कैसा है। वहां से थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी, कुछ खा पी लूँगी, सो या आज का दिन शेयर करूँगी बेसिकली आप लोगों के साथ। सो संडे है तो सोचा कि वीकेंड है, बाहर निकलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। तो चलो फिर चलते हैं। एक तो बाहर इतनी ज़्यादा धूप है एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड टू कम। चलना बहुत पड़ता है एलपीयू में। यहाँ से पहले हमें मेन गेट पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से बस से जाना पड़ेगा। एक तो बसेस में ट्रैवल करने की भी अलग ही वो है। और आई जस्ट होप कि कुछ ख़रीद लूँ वहाँ से अच्छा सा एंड आज का दिन जो है मेरा वो अच्छा जाए। सो एलपीयू की भी एक एलपीयू टूर वीडियो भी बनानी है मुझे, विच इज़ पेंडिंग, बट आई विल डू दैट सून। अभी लेट्स जस्ट गो, बस में बैठो फिर मॉल जाओ एंड फिर वहाँ पे जाके बताती हूँ कि क्या है, कैसा है, खाने को क्या है बेसिकली। सो लेट्स वेट फॉर इट। कुछ दोस्त कभी टाइम पे नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। 10:30 बोला, 11 बज गए। Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. वो क्या है? प्लूटस। हाँ, ये मेन जगह है। सो गाइज, आई हैव रीच्ड एट दी लोकेशन, मतलब मैं मॉल में पहुंच गई एंड मैंने ऑर्डर करा, हमने ऑर्डर करा बेसिकली वेज स्पेशल थाली। सबसे पहले खाना खाने आ गई इशिता, बींग इशिता, और खाना खाऊंगी फिर देखते हैं कैसा है। उसके बाद नीचे शॉपर स्टॉप है, सो माइट बी आई विल बाय समथिंग फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस है। दिस इज़ चाइना बाउल, उसके बाद ये फूड स्ट्रीट है, हमने ये ऑर्डर करी है स्पेशल वेज थाली फूड स्ट्रीट से। उसके बाद ये जूस कैफ़े की मेन्यू है जो कि उठ नहीं रही मुझसे, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो दैट प्लेस देयर इज़ द जूस कैफ़े, वहाँ पे कुछ ब्लेंड बेरी है, वो शायद स्मूदीज का होगा। एंड फूड कोर्ट इनका काफ़ी सही लग रहा है देखने में, और एसी है फुली। तो डोमिनोज एंड दिस इज स्पेगेटी क्लब एंड दैट इज़ फूड स्ट्रीट। यहाँ पे है फ्रूट सैलेड जो कि बहुत महंगा है, फिर इतने सारे कॉम्बोज है। आई एम गोइंग ब्लेंडबेरी की तरफ, तो आई टर्न द कैमरा एंड यहाँ पे स्मूदीज है बेसिकली। सो दैट इज़ ब्लेंडबेरी, दैट इज़ द जूस कैफ़े, और ये पूरा फूड कोर्ट है। ये कितना सही है जी। दैट इज माय स्मूदी। सो दिस इज द ब्लेंड बेरी बनाना स्मूदी जो कि अब मैं पीने वाली हूँ, और मैं तुझे नहीं देने वाली हूँ। और लेट्स हैव द बनाना, बिग ब्लू बनाना स्मूदी।
गुआवा का भी टेस्ट आ रहा है, बनाना का भी आ रहा है। आई लाइक इट यार। गाइज दी खाना वॉज नॉट एट ऑल गुड, सो हम अब इसको छोड़ ही रहे हैं, ये हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहा। वी ओनली लाइक दिस स्मूदी। दिस इज सम पूल विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस और हमें इस होटल का नाम ही नहीं पता। सब कुछ महंगा है यहाँ पे, एवरीथिंग इज सुपर एक्सपेंसिव। हाउस ऑफ कैंडीज, सो गाइज यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे प्लेन ही सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड अभी आई एम गोइंग टू रिलायंस मॉल रिक्शा राइड। गाइज आई जस्ट केम बैक एंड एक मिनट ये ज़रा मुझे उतारने दो। हाँ सो आई जस्ट केम बैक, आई एम वेरी 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 टायर्ड। एंड वापस आके ना वहाँ से मैंने हम लोग रिलायंस मॉल चले गए थे और फिर मैंने फ्रूट्स लाए थे और एक मैंगो लाया था, तो मैंगो थोड़ा सा ख़राब हो गया, सो उसकी वजह से मैंने शेक बना लिया केटल को यूज़ करके। और हमारे पास एक ऐसा मिक्सर पड़ा हुआ है मेरे रूममेट के पास, तो वो यूज़ करके मैंगो शेक बना लिया और मैं वाटरमेलन कट किया। अभी पूरा रूम इज़ अ कम्प्लीट मेस बट मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं अभी टर्न करके दिखाती हूँ एक मिनट। सो दिस इज़ द कम्प्लीट मेस जो कि आई हैव मेड। एंड ये देखो केटल के अंदर इज़ मैंगो शेक एंड देन यहाँ पे वाटरमेलन है और अभी बहुत गंद पड़ा हुआ है और वहाँ पे बर्तन भी हैं। तो आज का दिन अच्छा था, थोड़ा टायरिंग था बट खाना वाना खाया, थोड़ा प्रोडक्टिव था बिकॉज मैंने व्लॉग बना लिया एंड आई वाज दी हैप्पीएस्ट बिकॉज मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ ना बहुत खुशी होती है। और एक्सपीरियंस वाइज वो जो एक ब्लाइंड बेरी जो था उसकी बेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 100 रुपीज़ की थी बट वाओ, ऊपर से बॉटल टेक अवे पर थी तो और भी वाओ। एंड देन थाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बहुत ऐसे कच्चे मैदे की वो लग रही थी, रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, टेस्टी था ही नहीं वो, तो लीव दैट अपार्ट। सो या दैट वाज इट। एमबीडी मॉल अच्छा है, शॉपर स्टॉप है बेसिकली जहाँ से लड़कियाँ प्रॉपर शॉपिंग कर सकती है। एंड नायका है और कर लो शॉपिंग, जा सकते हो वन टाइम। सो साथ में वो जो मैं बोल रही थी होटल वो रैडिसन ब्लू था। सो या so that was it, thank you so much for watching the video and please subscribe to my channel agar nahi kiya hai abhi tak, to I will see you in the next video with some another cafe review or vlog or something. So till then take care, stay safe, lots of love and bye bye.